आज बात करते हैं स्टार्टअप जिसका नाम था व्हाइट फार्म्स की, जो आज 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बन चुका है। तो इसकी स्थापना की थी कनिका मैम ने 2015 में। कनिका यादव जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब ये इसमें मिल्क बेचती हैं, जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुनेंगे, अमूल, इसी टाइप से इनका भी एक ब्रांड है व्हाइट फार्म्स, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक दूध निकालती हैं और बेचती हैं। तो इनकी स्थापना उन्होंने की 2015 में, और मात्र 50 गायों के साथ उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज इनके पास 500 से ज़्यादा गाय हो चुकी हैं। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब इनके पास मात्र 50 गाय मात्र थी, बट आज इनके पास 500 से ज़्यादा गाय हो चुकी हैं। एंड इन्होंने ये बिज़नेस 4 करोड़ की लागत से स्टार्ट किया था, मतलब 4 करोड़ रुपये उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसके 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ये 7 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट जनरेट कर चुके थे, बट उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई जिसके हिसाब से हम अभी इनका 2022 का टर्नओवर आपको बता सकें। इसलिए मैं पुराना ही टर्नओवर आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने 4 करोड़ इन्वेस्ट किया उसके बाद इन्होंने जो ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की उसके हिसाब से इनका टर्नओवर, इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट जो भी कही आप 7 करोड़ रुपये था। देन इन्होंने स्टार्ट किया एक 30 एकड़ के खेत में, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जहाँ पर इन्होंने 50 गाय लाई और अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30 एकड़ के खेत से। वहाँ पर ये सभी चीज़ें करते थे, मिल्क निकालना, उसकी पैकेजिंग, उसकी सप्लाई सब ये वहीं से करते थे, है ना। देन अब बात करेंगे ये बिजनेस स्टार्ट क्यों हुआ, उनके माइंड में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया क्यों आया या कैसे आया। तो कनिका यादव मैम बचपन से दूध पीती हैं, सब लोग दूध ही पीते हैं बचपन से। इन्होंने 28 साल की उम्र से इन्होंने जो भी मिल्क पिया उसकी इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने देखा कि इसमें मिलावट बहुत है। चाहे आप रैंडम किसी दूध वाले से लो जो तुरंत गाय का दूध निकाल के ला के देता है, वो भी आपको कुछ ना कुछ मिलावट करके देता है, या सफ़ेद कलर मिला के देगा, या आपको वाइट क्या बोलते हैं, हाँ, पानी मिला के देता है। एंड अगर आप किसी ब्रांड से ये चीज़ें लेते हो, नाम नहीं लूँगा मैं, बट किसी भी आप दूध के ब्रांड से आप लोगे तो उसमें कोई ना कोई मिलावट आपको मिल ही जाएगी। कुछ लोग इसमें पानी मिला के बेचते हैं, कुछ लोग इसमें रिफाइंड ऑयल मिला के बेचते हैं, कुछ लोग इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलाते हैं, तो जिसकी वजह से दूध की गुणवत्ता क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके ऊपर कनिका यादव ने क्या किया, रिसर्च किया और पूरे कंक्लूजन के बाद उन्होंने निकाला कि इंडिया में 68% से ज़्यादा जितने भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, मिल्क है चाहे घी हो या पनीर हो, सभी में बहुत ज़्यादा मिलावट की गई है, सभी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया गया है, जो मानव हेल्थ के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसको देखकर उनके माइंड में विचार आया कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल हेल्दी दूध वो लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने देखा कि जो दूध हम लेते हैं अभी, हमारे पास जो भी दूध आता है पैकेट वाला या पैकेजिंग वाला, वो हमारे पास 3 से 4 दिन के बाद पैक होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद वो हमारे तक पहुंचता है, जो कि एक बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें इसलिए इस लंबी प्रोसेस में वो दूध ख़राब ना हो करके कंपनीज क्या करती हैं, इसमें मिलावटें कर देती हैं, जैसे बताया रिफाइंड ऑयल की कर दें या पानी की कर दें और बहुत सारी चीज़ों की मिलावट की जाती है, कोई सफ़ेद कलर मिला देता है इसमें, ऐसी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलावट कर दी जाती है, जिससे वो दूध की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो उन्होंने ये सब देखा तो उनके माइंड में ये विचार आया कि वो अपना नया स्टार्टअप खोलेंगे जिसमें वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक या हेल्दी दूध वो लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप खोला 2015 में व्हाइट फार्म के नाम से। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें की जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा बिजनेस ग्रोथ किया और आज वो इतना ज़्यादा टर्नओवर कर रही हैं और लोगों को हेल्दी दूध प्रोवाइड करा पा रही हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 50 गायों के साथ उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक बड़े एरिया में उन्होंने गायों को रखा और वहीं से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने गाय खरीदी, फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि पैकेट का दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उन्होंने अपना पैकेजिंग गाय में करने लगी, वो कांच की बॉटलों में अपनी दूध की पैकेजिंग करने लगी जिससे उनका दूध जल्दी ख़राब ना हो। कांच की बॉटलों में उन्होंने दूध पैक किया और उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी। देन सेकंड काम क्या किया, वो लोग क्या करते थे 8 से 12 घंटे के बीच में, अभी मैंने बताया आपको कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है या जो भी कंपनी दूध की पैकेजिंग करती हैं या हमारे तक सप्लाई करती है, उनका दूध हमारे तक आने में पैकेजिंग के बाद 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है, बट जो इनकी कंपनी थी व्हाइट फार्म्स करके, उन्होंने मात्र 8 से 12 घंटे के बीच लोगों को दूध प्रोवाइड किया पैक करने के बाद। 3,000 से ज़्यादा लोगों को दूध प्रोवाइड कर देते थे 8 से 12 घंटे के बीच में, एक बहुत ही अच्छी बात थी जिससे दूध ख़राब भी नहीं होता था। देन फिर उन्होंने क्या किया, गायों
की हेल्थ को देखते हुए उन्होंने गायों के लिए मसाज स्टेशन खोला, जहाँ पर वो गायों की पूरी हेल्थ का ध्यान रखते थे एंड उनके सभी चीजें इलाज विलाज सब करते थे उस मसाज स्टेशन में। देन फिर उन्होंने ये दावा किया है कि वो कोई भी मिलावट नहीं करते, जैसे कि पानी की मिलावट हुई, कलर की मिलावट हुई या रिफाइंड ऑयल और जिससे भी चीज़ से दूध खराब ना हो, डिटर्जेंट, हाँ बहुत सारे लोग डिटर्जेंट भी मिलाते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ये सब की मिलावट उन्होंने नहीं करी किसमें, अपने दूध में। इन्होंने वो दावा किया, वो कितना सच्चा कितना झूठ हुआ हमें नहीं पता, बट जितना रिव्यू मिला इसके हिसाब से उनके दूध में बहुत ही कम मिलावट पाई गई है या ना के बराबर मिलावट पाई गई है, जो उनका दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। देन फिर उन्होंने क्या किया, गायों को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाई। बहुत सारे लोग ज़्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शंस लगवा देते हैं या केमिकल देते हैं गायों को जिससे वो ज़्यादा दूध दें, बट उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके वजह से उनकी दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और उससे कोई भी प्रकार की मनुष्य को हानि नहीं हो सकती है। ये सब उन्होंने स्टेप्स फॉलो किया एंड अपने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और आज वो कंपनी देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये तो बहुत पुराना रेवेन्यू था उनका 7 करोड़ का, जहाँ तक कि इतनी तेज़ी से वो बढ़ रही है कि लगता है कि वो आज 7 से 10 करोड़ के से ज़्यादा का रेवेन्यू हर साल जनरेट कर रही है। ये थी इनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट। तो कनिका यादव ने मात्र किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखो बिजनेस क्या होता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो, और वो उसके बदले हमको पैसा मिले, वो एक बिजनेस होता है। तो कनिका यादव ने क्या किया, अपने लोगों की, इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या प्रॉब्लम थी कि उनको मिलावटी दूध मिल रहा था, अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिल रहा था। उन्होंने अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि वो लोगों को बेस्ट और हेल्दी दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम ढूंढिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तो आपका बिजनेस ही बहुत आगे जाएगा। तो ये था कनिका यादव का बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस मॉडल जो भी कहेंगे आप, जिसके वजह से वो आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।